QNTV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद में MIM के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी साहब ने अपने गुजरात प्रमुख, जिला प्रमुख, सिटी प्रमुख और सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। 2022 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी और अहम मुद्दों पर बात की गई। सभी कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ाई। सेंट्रल जेल अहमदाबाद में अतीक अहमद से मुलाकात के लिए जा रहे थे पर उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई। प्रेस मीटिंग में उन्होंने अगली बार आने का वादा किया और सरकार को घेरा। गुजरात सूरत के अध्यक्ष वसीम कुरैशी, सूरत युवा प्रमुख अब्दुल बशीर शेख, मुन्ना भाई भाटा, अनीस भाई, अरसु पिंजारी, समीर भाई, RTO और सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी साथी हाजिर थे। ब्यूरो रिपोर्ट QNTV न्यूज़ सूरत, रिपोर्टर रफीक शेख के साथ सैयद एजाज अली। डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा, लीडरशिप का मुद्दा रहेगा, हिस्सेदारी का मुद्दा रहेगा। शाबिर भाई काबलियोला, गुजरात MIM प्रेसिडेंट। जी सर, आज आपका प्रोग्राम क्या है? परमिशन हमको दिया नहीं, लेकिन परमिशन नहीं मिला। जी सर, आपका नाम? एडवोकेट शमशाद पठान, सिटी प्रेसिडेंट अहमदाबाद। अवैसी साहब यहाँ पर अपने जो वर्कर्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए आए हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के सदर हैं और आज पॉलिटिकल पार्टी के जो उनके वर्कर्स और अहदेदार हैं उनको वो एड्रेस करेंगे अहमदाबाद शहर में। उनका खास मकसद गुजरात में मजलूमों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को बढ़ाना है। वो चाहते हैं कि दलित, आदिवासी और मुसलमानों की पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी हो और उनको उनका अधिकार मिले। दानिश कुरैशी। आज के सिलसिले में यहाँ पे अवैसी साहब आए हैं। देखिए, अवैसी साहब आज तो जो वर्कर्स हैं पार्टी के उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए गुजरात आए थे और उसके बाद साबरमती सेंट्रल जेल जाने का प्रोग्राम था, जो उसके बाद यहाँ पे शाम को 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक टागोर हॉल पालेडी में वर्कर्स के साथ इंटरेक्शन का एक प्रोग्राम है। हाँ, तमाम गुजरात के जितने भी पदाधिकारी वर्कर्स जो हैं सारे लोग आए हुए हैं और बाकी के बहुत सारे लोग रास्ते में हैं जो दोपहर शाम तक पहुँचेंगे। प्रोग्राम का टाइमिंग शाम 6 बजे से 9 बजे का है, वो कन्फर्म टाइमिंग है। उसके अलावा का दोपहर में 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस मीडिया से बात करेंगे, जो भी हालात हैं गुजरात के, देश के, उस पर असद साहब अपनी बात रखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।